हाँ, हमने कल ईसोफेगस का किया था एंड आपको बताया गया था कि ईसोफेगस अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुल है. हाउ डिड दिस ईसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक? यहाँ पे जो है देर आर स्फिंक्टर मसल्स. यहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, ये स्फिंक्टर मसल्स, व्हाट टाइप ऑफ दीज आर एक्चुअली, जितने भी स्फिंक्टर मसल्स हैं वो इसी टाइप के होते हैं. मैं आपको फिगर शो कर रहा हूँ कि जितने भी स्फिंक्टर मसल, वो टाइप, वो एक इस टाइप के मसल हैं कि दे अलाउ टू मूवमेंट ओनली इन वन साइड, अपोजिट साइड में मूवमेंट को अलाउ नहीं करते. फोर्सली हो सकती है, फोर्सली कुछ भी हो सकता है, बट दे डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू ईसोफेगस. कोई इरिटेशन हो तो वोमिटिंग आती है, दैट फोर्सली, वो फोर्सली है. अदरवाइज डू नॉट अलाउ टू मूव द फूड फ्रॉम स्टमक टू ईसोफेगस. ऑलवेज अलाउ मूवमेंट फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक. और हमने ये हाउ, व्हाट टाइप ऑफ दीज मसल्स आर देयर, और इस तरह से स्फिंक्टर मसल आर देयर ऑल्सो हेयर व्हेन फूड मूव फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन. ड्यूडिनल पार्ट में मूव करता है तब भी. फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया था, माउथ. फिर क्या किया, बकल कैविटी. बकल कैविटी के बाद क्या किया हमने, फेरिंक्स का. फेरिंक्स कोई ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे बताएं. फिर ईसोफेगस, और अब हम स्टमक की बात करेंगे. बट बिफोर दैट व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर देयर. देखिए ये, दीज आर द स्ट्रक्चर्स. दिस इज अपर, जो अप फेरिंक्स के बाद, फेरिंक्स के पास जो शेप होती है दैट इज फनल शेप. यहाँ से वाइड होगी और दिस इज द, ओह कोई बात, दिस इज द ओपनिंग, ये ओपनिंग. फिर उसके बाद ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, आप देखिए अंदर तक जो ट्यूब स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइक दैट, और इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है. ये लोअर एंड का पार्ट है एंड दिस इज द पोर्शन जहां से ये दैट ओपन्स इनटू द स्टमक, स्टमक में ओपन होती है. ये आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है कि लोअर पोर्शन में किस तरह से होते हैं. बिल्कुल ये लोअर पोर्शन का है, ये बिल्कुल लास्ट एंड है, क्लोज की तरह से दिखता है. तो इस तरह से ये सिर्फ फूड को वन साइड अलाउ करते हैं, अदर साइड में. नेक्स्ट पार्ट स्टमक. स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. स्टमक जो है क्या है, बैग की तरह की स्ट्रक्चर होते हैं एंड इन विच फूड इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम. एंड इनसाइड स्टमक we know that there is hydrochloric acid which is produced from its walls. Stomach ki actual structure jo hai uske andar is type ki hote hain ki bahut sari iske andar kya hai, linings hain, but it is from inside, it is just like a bag like structure, bag ki tarah ki structure hoti hai. This is esophagus. Ye portion jo hai kaun sa hai, ईसोफेगस का है. एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, ड्यूडेनम. ये ड्यूडेनम पोर्शन है. इनसाइड स्टमक देर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूसेस. तो आप स्टमक में क्या लिखेंगे, स्टमक में ज़्यादा नहीं लिखना आपने, सिंपली इतनी सी बात करनी है. स्टमक इज द स्वेलन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर फूड इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम. जहाँ पे फूड थोड़ी देर के लिए क्या होता है, स्टोर होता है. इनसाइड स्टमक देर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर गैस्ट्रिक जूसेज आर प्रोड्यूस्ड विच कंसिस्ट ऑफ टाइलिन एंजाइम. क्योंकि जो हम इसकी फंक्शनिंग करेंगे ना, जिसकी फिजियोलॉजी करेंगे, उसमें आपको सारे एंजाइम वगैरह बताए जाएंगे. अभी तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कौन सा पार्ट
एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा और उसका मेन फंक्शन क्या है, वी आर जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं हम अभी, फिर आपको इसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर और स्वेलन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हियर फूड इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम इनसाइड स्टमक, व्हाट इज देयर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है, वी शैल डू आफ्टर दिस। एंड टाइलिन एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड, टाइलिन एंजाइम बेसिकली दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अपर पार्ट इज कनेक्टेड टू ईसोफेगस एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक दैट इज कनेक्टेड टू द ड्यूडेनल पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनल पार्ट से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल। यहाँ पे स्फिंक्टर मसल होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये स्फिंक्टर मसल हैं, आपको जो अभी दिखाया कि जिनकी स्ट्रक्चर सिर्फ वन साइड होती है वो स्फिंक्टर मसल्स थे, ये चारों मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले स्फिंक्टर मसल की पोजीशन शो कर रखी थी उसमें। तो ये स्फिंक्टर मसल्स हैं, एक्चुअल में सिंपल बात करें तो स्फिंक्टर मसल ऐसे होते हैं, जैसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें स्फिंक्टर मसल्स जो हैं इस तरह के होंगे, विच अलाउ द फूड टू मूव इन वन साइड ओनली, यानी इस साइड में अलाउ करेंगे, वापिस नहीं जाने देंगे। तो स्फिंक्टर मसल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, दैट्स व्हाई आपको दिख रहे थे ना, वो इस तरह के ऐसे शेप है, तो ऊपर से नीचे तो जा सकता है, नीचे से ऊपर नहीं आएगा। तो स्फिंक्टर मसल होते हैं एट बोथ एंड, जहां पे वेयर द ईसोफेगस एंटर एंड फ्रॉम वेयर द ड्यूडेनम इज कनेक्टेड टू द फूड, सॉरी स्टमक। एंड फूड इज अलाउड टू मूव फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट इन वन स्लॉट, दैट इज अलाउड इन स्मॉल स्लॉट्स। थोड़ा थोड़ा फूड जा इसके अंदर आता है, जो फूड यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा, द फूड विच एंटर हेयर, जो यहाँ पे फूड आएगा दैट मिक्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, डाइजेशन ऑफ सम प्रोटीन्स टेक प्लेस एंड देन दिस फूड एंड ऑल्सो द फूड इज चर्न्ड बाई द वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक की वॉल इसको क्या कर देती हैं, चर्न करती हैं, घुमाती हैं पूरा। एंड देन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फूड, एक पोर्शन दैट इज सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर सम टाइम देन अनदर पोर्शन इज सेंट, देन आफ्टर सम टाइम अनदर पोर्शन इज सेंट, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद फूड को सेंट करते हैं। तो आपने इसमें आपको क्या मेन पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्टमक इज अ स्वेलन पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, हियर फूड इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम। अभी मैं एंजाइम, मैंने अभी तक सिर्फ वैसे नेम बताया था टाइलिन एंजाइम का, अभी एंजाइम के फंक्शन नहीं बताए हैं, वो फिजियोलॉजी में करेंगे हम, आज ये कंप्लीट करेंगे और कल से हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। वो मेन चीज़ है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें तो सिर्फ हमने आइडिया दिया कि पहले माउथ होता है, माउथ में क्या होता है, फिर उसके बाद माउथ क्या होता है, बकल कैविटी क्या होती है, ईसोफेगस क्या है, अब हम बात करें कि स्टमक क्या है। स्टमक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, स्वेलन पार्ट है, फूड इज स्टोर्ड हेयर, इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, HCl इज प्रोड्यूस्ड, HCl प्रोड्यूस होता है दैट मिक्स विद फूड, ऑल्सो टाइलिन एंजाइम इज देयर एंड फूड इज चर्न्ड, फूड बिल्कुल टर्न होता है इसमें, मतलब इसकी फूड की वॉल इस तरह से घूमती हैं, ऐसे रोटेट करती हैं, एंड देन चर्न द फूड, मिक्स द फूड विद HCl, तो फूड को इस तरह से पूरी तरह से घुमाती रहती हैं। एंड फूड इज अलाउड इन स्मॉल स्लॉट्स टू मूव फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनल पार्ट, तो उसमें थोड़ा थोड़ा फूड जो है ये अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए। हियर द मसल आर प्रेजेंट, दे आर नोन एज स्फिंक्टर मसल, यहां पे भी क्या है, स्फिंक्टर मसल है, यहां पे भी है, इनको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर में भी नेम रिटन, यहाँ पे आप इसको, आपके पास जो नोट्स हैं उसके अंदर सारा ये रिटन है, कौन से मसल, कौन किस टाइप के मसल कहाँ पे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे ये हार्ट के पास होता है एबो, तो इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर बोल देते हैं,
दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर और ये नीचे वाले क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो आपने ये नेम जरूर लर्न करने हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड कार्डियक स्फिंक्टर, ये नेम तो यूजुअली आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक लास्ट में आएगा एनल स्फिंक्टर, वो जरूर आपको करना है। तो फूड एंटर फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन इन स्मॉल स्लॉट्स एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय, मूवमेंट ऑफ फूड इज कंट्रोल्ड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। विच मसल्स आर नॉट अलाउ द फूड टू मूव बैक इनसाइड द इसोफेगस, तो कार्डियक स्फिंक्टर। अगर आपको कार्डियक वर्ड ध्यान ना रहे तो स्फिंक्टर वर्ड जरूर लर्न कर लीजिए। स्फिंक्टर मसल्स हैं और हर जगह के अलग अलग हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर, या ये तीन ही आपके स्फिंक्टर मसल्स आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, सॉरी पहले हम HCL के फंक्शन करेंगे। तो HCL विच इज प्रोड, देखिए जो स्टमक की वॉल है, फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक, इन वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इन वॉल्स के अंदर देर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस एंड इन गैस्ट्रिक जूस देर आर टू मेजर जूसेज, टू मेजर टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर देयर, वन इज HCL एंड अनदर इज पेप्सिन एंजाइम। एंजाइम और भी हैं बट हमारे हमने दो करने हैं, तो ये पेप्सिन एंजाइम एंड HCL। हियर मेन फंक्शन HCL के हम अभी करेंगे, पेप्सिन एंजाइम को हम इसकी जब फिजियोलॉजी करेंगे कल से स्टार्ट करेंगे उसमें बात करेंगे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक इन नेचर, दैट मेक द फूड एसिडिक। उससे क्या बेनिफिट होता है, इन एसिडिक मीडियम नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, कोई ऑर्गेनिज्म एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं करता है, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में सर्वाइव करेगा। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर नो, दे डू नॉट सर्वाइव इन एसिडिक मीडियम। हम फ्लोर क्लीनर, फ्लश क्लीनर जो यूज करते हैं वो सारे एसिडिक हैं, बिकॉज एसिडिक के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। आपने पहले सुना भी होगा कि HCL पहले तो फ्लश को क्लीन करने के लिए सीधा ही सिंपल डाइल्यूट HCL यूज करते थे, और अब जो है अलग अलग टाइप के आ गए हैं, बट दे आर स्टिल एसिडिक, बस उनमें और कुछ सब्सटेंसेज ऐड कर दिए, परफ्यूम्स ऐड कर दिए, इस तरह की चीज़ें वो कर दें, और दैट इज़ अ मार्केट स्ट्रेटेजी, वो तो अलग चीज़ है। बट एक्चुअली बेसिक चीज़ क्या है उसमें, एसिड, और वो एसिडिक सब्सटेंस में या एसिडिक नेचर के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, दैट डाई। तो HCL मेक द फूड एसिडिक, सो किल द जर्म्स विच एंटर इन आवर बॉडी थ्रू फूड, फूड के साथ जो जर्म्स एंटर कर जाते हैं उनको किल कर देता है। आपको HCL के दो मेन फंक्शन, यहाँ देखो 5 बता रखे हैं, बट दो मेन फंक्शन आपको जरूर ध्यान करने हैं, और आपने अगर उन दो को छोड़ दिया और बाकी लिख दे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मार्क्स लेने के लिए ये 2 पॉइंट्स यूज, मतलब जरूर लिखने पड़ेंगे। नंबर 1, इट मेक द फूड एसिडिक बिकॉज इन एसिडिक मीडियम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव एंड दैट किल्स द जर्म्स। आप सीधा ही कह दीजिए कि HCL किल्स द जर्म्स। जर्म्स को क्यों किल कर देता है, बिकॉज एसिडिक मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करते। 1, अनदर पेप्सिन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन स्टमक, जो पेप्सिन एंजाइम स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, दैट एक्ट ओनली इन एसिडिक मीडियम, वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, अदरवाइज प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है, एंड पेप्सिन एंजाइम वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। तो दैट्स व्हाई ये टू मेन फंक्शन आपको बता दिए, एक इट किल द जर्म्स, सेकंड इट इज एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन, थर्ड आप ये कह सकते हैं, ये दो तो मेन बताई दिए आपको। इसके बाद इट स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवा, देखिए हमने बात किया था कि बक्कल कैविटी में जो फूड होता है तो वहाँ 3
टाइप की ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल एंड पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है ना, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, ये थ्री ग्लैंड्स की बात हमने की थी, पेयर में होती हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट साइड में। तो वो ग्लैंड्स का वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवा, एंड दैट एक्शन ऑफ द सलाइवा इज स्टॉप बाय द HCL। तो HCL जो है क्या करता है, सलाइवा का एक्शन स्टॉप करता है। तो आपको बता दिया कि इट मेक द फूड एसिडिक फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पेप्सिन एंजाइम, इट किल द जर्म्स एंड इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा, इट मेक द फूड सॉफ्ट, फूड जो है सॉफ्ट हो जाता है बिकॉज इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही नैरो होती है, ओनली अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड इन डायमीटर, कहीं पे 4, मतलब बस 3-4 सेंटीमीटर वाइड इन डायमीटर। तो इतने में से फूड का जाना, तो फूड मस्ट बी सॉफ्ट, तो इट्स सॉफ्ट ऑन द फूड, ये मेन फंक्शन। और दूसरा पेप्सिनोजन एंड प्रोनिन, मतलब ये जो है ना रेनिन एंड पेप्सिन, रेनिन, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, ये एंजाइम किड्स में होते हैं, बच्चों को दूध को डाइजेस्ट, मतलब टू फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क एंड वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मिल्क एंड टू कीप द मिल्क फॉर लॉन्ग टाइम इन द स्टमक, स्टमक में लॉन्ग टाइम तक मिल्क रहे तो उसका प्रॉपरली डाइजेशन हो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा जो है, जो किड्स होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, वो सिर्फ मिल्क यूज करते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक स्टमक में रहना चाहिए सो दैट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए उसमें से मटेरियल की, तो इस करके उसके लिए। तो आप इस पॉइंट को छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, आपने मेन आपको बता दिया कि जर्म्स को किल करते हैं, सेकेंडली इट इज एसेंशियल फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम, थर्ड आप ये बता सकते हैं कि फूड को सॉफ्ट करता है एंड सलाइवा के एक्शन को स्टॉप करता है। अब देखिए, व्हेन वी यूज टू ईट सच टाइप ऑफ फूड विच इज लाइक जंक फूड विच डू नॉट डाइजेस्ट इजीली, डीपली फ्राइड, सच टाइप ऑफ फूड डू नॉट डाइजेस्ट इजीली, व्हाट जंक फूड जिसको हम बोलते हैं, दैट रिमेन इन द स्टमक फॉर लॉन्ग टाइम एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ HCL इज प्रोड्यूस टू डाइजेस्ट दैट। HCL का बॉडी का ऑटोमेटिक फंक्शन है कि फूड जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यानी सिंपलर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो स्टमक में लॉन्ग टाइम तक रहेगा, लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो मैक्सिमम एसिड प्रोड्यूस होगा, भैया बेंच को वो मत करो, एसिड मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा एंड ड्यू टू एक्सेस ऑफ द एसिड एंड अ बैक्टीरिया कॉल्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो उस एसिड के एक्शन के बाद होता है, मतलब ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिड दैट रिमूव द म्यूकस लेयर फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक की वॉल के अंदर क्या है, देखो आपको बताया कि स्टमक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें HCL प्रोड्यूस होता है, HCL में आप जो है स्किन के कॉन्टेक्ट में आ जाए दैट बंस, तो हमारे स्टमक में कैसे, एक्चुअल में स्टमक की वॉल में क्या है, म्यूकस है, म्यूकस की लेयर है एंड म्यूकस लेयर ऑफ म्यूकस दैट प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम एसिडिक एक्शन ऑफ HCL। इफ HCL रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम एंड एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड देन म्यूकस लेयर दैट इज रिमूव, म्यूकस लेयर क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं एंड एसिड कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ टिश्यूज एंड दैट कॉज एसिडिक एक्शन, और एसिडिक एक्शन होता है जस्ट लाइक ये जो एक्शन शो कर रखा है यहाँ पे, दिस वन ये एसिडिक एक्शन इज शो, ये चीज, दिस इज इनसाइड द वॉल ऑफ स्टमक, ये स्टमक की वॉल का है, ये भी स्टमक की वॉल है, ये भी स्टमक की वॉल है और ये ड्यूडेनम की वॉल है, ये जो है ये वॉल किसकी, ये ड्यूडेनम की वॉल है, जहां से ड्यूडेनम स्टार्ट होती है वहां पे उस वॉल, ड्यू टू एक्सेस ऑफ द एसिड दैट एसिड रिमूव
म्यूकस एंड कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ टिश्यूज ऑफ स्टमक एंड कॉज एसिडिक एक्शन, मीन्स एक तरह की रस्टिंग कॉज कर देता है, एंड देयर वाउंड्स टेक प्लेस, एंड इन दीज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी दीज बैक्टीरिया आर डेवलप एंड दैट कॉज दैट इंक्रीज द वाउंड एंड दैट इज नोन एज पेप्टिक अल्सर. उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं. तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है एंड इट इज वेरी पेनफुल, क्योंकि एसिड कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहेगा, लेयर को बनने ही नहीं देगा. फूड खाना है, फूड हम यूज, जैसे ही फूड अंदर जाएगा एसिड प्रोड्यूस होगा, देन अगेन कॉज रस्टिंग हेयर, कोरोजन कॉज करता है मतलब स्किन के ऊपर. तो यहाँ बर्निंग होती है, दैट वाउंड कीप ऑन इंक्रीजिंग, दैट एंड मोर ओवर दिस बैक्टीरिया ऑल्सो इंक्रीज द वाउंड. तो ये दैट इज़ वेरी वेरी पेनफुल, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है. तो ये पेप्टिक अल्सर है. इट इज़ मे बी आस्क बट इट इज मेनली फॉर योर नॉलेज. तो ड्यू टू कोरोसिव इफेक्ट ऑफ HCl ऑन स्किन द वाउंड्स आर टेक प्लेस, दैट इज नोन एज पेप्टिक अल्सर. इन पेप्टिक अल्सर इट इज मोस्टली आस्क नेम द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द पेप्टिक अल्सर, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. एंड ये आपको बता दिया कि अल्सर इस टाइप का होता है. पहले ये इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज है ये, एंड ये देखो ये बहुत ज़्यादा डीप फाइनल स्टेज है. दैट बर्न स्किन को बर्न कर देता है, मतलब अंदर के टिश्यूज को बर्न कर देता है, उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं. ये देखो हाईली कोरोसिव, ये आप स्टमक को हम स्ट्रक्चर हमने जब देखी थी उसमें थी ना ये, तो वॉल्स के अंदर होते हैं ये, और ये अल्सर की सिचुएशन है. एंड द नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के मेन थ्री पार्ट्स हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है मोर देन 6 meters है इन एब्डोमिनल पार्ट, मतलब सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 to 6.5 meters तक होती है. एंड आपको वाइड बताया कि मैक्सिमम 4, कहीं कहीं पे जनरली जो है आप बस एवरेजली 3 के आसपास रहती है. तो इतना ही डायमीटर होता है. एंड ऑल फूड दैट इज टू बी पास थ्रू दैट, उसमें से पास होना होता है. इसीलिए HCl जो है उस फूड को सॉफ्ट कर देता है, सो दैट फूड कैन पास इजीली. तो स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6 meters लॉन्ग, ये एवरेज बात है, बट 6.5 भी हो सकती है. एंड 2.5 to 3.5 centimeters इन डायमीटर एंड इट इज क्वाइट नैरो. Inside the wall of small intestine, there are finger-like structure called villi. हम जब physiology करेंगे तो उसमें बात आपको बताएंगे कि जो ये अगर हम show करें कि small intestine का cross-section, ये outer wall है, सामने से tube-like, इस तरह front cross-section का मतलब front, ऐसे front show करें, then it looks like that. इसमें इसकी वॉल पे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं. दिस इज द ओनली पासेज, ये पासेज है. यानी कि ऐसे अगर उसको हम कट कर दें और कट करके उसको देखें तो उसके ऊपर इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है हर जगह पूरे उसके ऊपर. और उसको मान लीजिए कि ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सब पे हो और इसको फिर हमने राउंड कर दिया तो क्या बनेगा, किस तरह से बनेगी, ठीक वैसे. तो इनसाइड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देर आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज विलाई बोलते हैं. दैट इंक्रीज द सर्फेस एरिया एंड दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन करती है. तो ये जो फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करते हैं. तो हम फिजियोलॉजी में इसकी जो है विलाई का स्ट्रक्चर करेंगे, बताएंगे आपको कि ये किस तरह से एब्जॉर्व करते हैं. एंड इनसाइड द फ्रॉम द इंटरनल वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन फर्स्ट पार्ट दैट इज ड्यूडिनल, सेकंड पार्ट जिजेनम, थर्ड पार्ट इलियम, इस तरह से पार्ट्स हैं इसके. तो इनके अंदर इन वॉल इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देर आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. तो आपने क्या बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 meters लॉन्ग,
डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2.5 टू 3.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द एरिया ऑफ एब्डोमिनल, मतलब दैट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल एरिया एंड हेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस. फूड की कंप्लीट डाइजेशन इसमें होती है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस. फूड की एब्जॉर्प्शन भी होती है. आपने दो तीन बातें बतानी है, लेंथ बता दीजिए, डायमीटर बता दीजिए, फिर उसके बाद बता दीजिए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है. एब्डोमिनल एरिया, एब्डोमिनल एरिया, एब्डोमिनल एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है. दिस इज द एब्डोमिनल एरिया, ये जो एरिया है एब्डोमिनल एरिया, तो एब्डोमिनल एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है. एंड इसके अंदर देर आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज विलाई दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड के एब्जॉर्प्शन की एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड दैट टेक प्लेस इन साइड द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो. कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है. तो जो सबसे पहला पार्ट इसका आता है दैट इज सी शेप स्ट्रक्चर. जो सी शेप स्ट्रक्चर है इस तरह से सी शेप्ड होता है, दैट इज ड्यूडेनल पार्ट. ड्यूडेनल पार्ट के नेक्स्ट पार्ट दैट इज इलियम एंड सॉरी जेजेनम एंड लास्ट पार्ट इज इलियम, जिसके अंदर मेनली विलाई होती है. मेन एब्जॉर्प्शन इलियम पार्ट के अंदर होता है. फाइनल डाइजेशन जेजेनम पार्ट में होता है. जैसे फूड आता है स्टमक से किस में एंटर करेगा, जेजेनम के अंदर एंटर करेगा. एंड इनसाइड द जेजेनम डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस. वो तो स्टमक में भी होती है, माउथ में भी होती है, यहाँ पे होती है. एंड देन फ्रॉम ड्यूडेनम द फूड एंटरिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड जेजेनम. जो यहाँ तक है ये पोर्शन तो ड्यूडेनल पार्ट का है और इसके बाद स्मॉल पोर्शन जेजेनम का है एंड द लास्ट पोर्शन इलियम का है. तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं वो करना, सिंपल सी बात लिखनी है कि इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग, 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल एरिया. द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज दैट इट एब्जॉर्ब द फूड एंड फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इनसाइड इट. कि फूड की फाइनल डाइजेशन इसी में होती है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इसी में होते हैं. बिकॉज ऑन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन देर आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. इतनी सी बात करेंगे आप. और चाहें तो फिर आप बता दीजिए कि इट हैज़ थ्री मेन पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ड्यूडेनल विच इज सी शेप्ड एंड विच इज अटैच टू द स्टमक. एंड हेयर इन दिस ड्यूडेनल पार्ट ऑल्सो लीवर एंड पेंक्रिया दैट इज ऑल्सो अटैच्ड हेयर. वो भी ड्यूडेनल पार्ट में होते हैं. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज जेजेनम वेयर इंटेस्टाइनल जूसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड दीज इंटेस्टाइनल जूसेज दे कॉज फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज इलियम वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस. देन स्मॉल इंटेस्टाइन इज connected to the large intestine, but in between two glands are there, one is liver and another is pancreas. Liver is the largest gland. Liver is not an organ, it is gland. Glands जो होती हैं और organ में difference क्या है. Organ एक particular function कोज करता है. Glands जो हैं वो secretion produce करते हैं. फंक्शन उनका भी अपना है बट वो सीक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, या तो एंजाइम प्रोड्यूस करेंगी या हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी. उनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं, हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स. एंजाइम्स डाइजेशन के लिए यूज होते हैं, हार्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए यूज होते हैं. तो ये ग्लैंड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के सीक्रेशन कॉज करते हैं. लीवर दैट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है ये एंड मोर देन 500 फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय. तो डाइजेशन में क्या रोल है. इन लीवर देयर इज अ स्मॉल पोर्शन, ये देखिए आपको ग्रीन पोर्शन जो दिख रहा है दैट इज स्मॉल पोर्शन. दिस ग्रीन पोर्शन दैट इज नोन एज गॉल ब्लैडर. स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर इज देयर
एंड इन दिस बाइल जूस, इन दिस बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस बाइल जूस दैट मिक्स विद द फूड इन ड्यूडेनल पार्ट बट इट डू नॉट कोज एनी डाइजेशन, इट ओनली कन्वर्ट द फूड इन अल्कलाइन मीडियम, क्योंकि जो स्टमक से आएगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, और फिर यहाँ पे जो है ड्यूडेनल में आते ही वही फूड जो है वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको सारी बताई जाएंगी फिजियोलॉजी में, आप मतलब अभी आप सोचें कि ये तो बताई नहीं थी, नहीं वो फिजियोलॉजी में बताई जाएंगी। अभी तो मैं सिर्फ ऑर्गन की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कौन सा ऑर्गन है और उसका मेन फंक्शन क्या है, बस इतनी बात बता रहा हूँ। तो ड्यूडेनल यहाँ पे जो है एक तो ये अटैच्ड है, लीवर अटैच्ड है, दूसरा यहीं पे पैंक्रिया जो ये येलो आपको दिख रहा है थोड़ा सा, दिस इज इसके पीछे की साइड में होता है, तो वो पैंक्रिया अटैच्ड होता है। तो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होते हैं और लीवर से बाइल जूस आता है। बाइल जूस का फंक्शन मेन ये है कि दैट मेक द फूड अल्कलाइन, क्योंकि स्टमक से आने वाला फूड एसिडिक होता है और जैसे ही वो ड्यूडेनल पार्ट में एंटर करेगा फूड को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं और बाइल जूस है, ये क्या करेगा अल्कलाइन मीडियम में, क्योंकि आगे का जितना भी एंजाइम प्रोड्यूस होंगे वो सारे अल्कलाइन मीडियम में वर्क करेंगे, एसिडिक में वर्क नहीं करते, तो इसलिए फूड को अब किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्कलाइन में। तो ड्यूडेनल में आते ही फूड अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। बाइल जूस ऑल्सो हेल्प इन कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू अल्कलाइन मीडियम। सेकेंडली इट कॉज एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स, फैट्स की एमल्सिफिकेशन कॉज करता है। फैट्स की एमल्सिफिकेशन का मतलब कि ये फैट्स के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। फैट की बड़ी बड़ी गोलियां सी बन जाती हैं और उसको छोटी छोटी में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट सरफेस एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसका डाइजेशन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ये आपको एक चीज़ ये शोक रखा है कि ये लीवर की पोजिशन होती है, ये पेंक्रिया की पोजिशन है, ये स्टमक की पोजिशन है, एक्चुअल में ये साइड व्यू कर रखा है। जो यूजुअली हम फिगर हमारे सामने आता है, अगर कोई पर्सन फ्रंट में खड़ा हो तो ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, स्टमक जो है ये साइड व्यू ले रखा है, स्टमक के ऊपर से यहाँ पे ये स्टमक के ऊपर से आता है, मतलब आधा स्टमक को ये कवर कर लेता है, इस तरह की पोजिशन होती है लीवर की। अगर फ्रंट पोजिशन में दिखाएं तो लीवर इस तरह से, क्या चीज पता नहीं क्या करें, ये थोड़ा साइड व्यू दिखाया हुआ है लीवर को दिखाने के लिए। लीवर फ्रंट वाली अभी बताते हैं, फ्रंट के भी दिखा दो, इस तरह से हाफ स्टमक के ऊपर से कवर्ड होता है। पीछे जो हमने देखी थी, या मैं आगे दिखा देता हूं कि फ्रंट व्यू जो है इस तरह का दिखेगा, आधा ऊपर कवर किया हुआ होगा, ये भी थोड़ा सा फोटो, ये भी साइड व्यू, ये पीछे का व्यू दिखा रखा है, स्टमक ये उधर हो गया, स्टमक ये पूरा का पूरा दिख रहा है। हाँ जी, तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ, मेजर फंक्शन एक कि ये फूड को क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है, एंड इट कॉज एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स, यानी एमल्सिफिकेशन इज नॉट डाइजेशन, एमल्सिफिकेशन का मतलब लार्ज ग्लोब्यूल, बड़ी बड़ी जो गोलियां बन जाती हैं उसको छोटी छोटी में कन्वर्ट कर देना, सो दैट सरफेस एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। फिर जो पेंक्रिया से एंजाइम आएंगे वो ईजीली जो है फैट के कॉन्टैक्ट में आ जाएं, अगर बड़े रहेंगे पीसेज तो बार बार से कॉन्टैक्ट में आएंगे, बीच में रह जाएगा, और उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे तो मैक्सिमम उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, डाइजेशन ईजी हो जाते हैं। तो सिंस द मेजर फंक्शन इज दैट इज एमल्सिफिकेशन इन विच द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ द फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल, के लार्ज बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देता है, एंड दैट ऑल्सो
मेक द फूड अल्कलाइन। जो फूड स्टमक से बाहर निकलेगा उस फूड को हम बोलते हैं काइम, और काइम एसिडिक होता है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, अल्कलाइन में। आप ये वर्ड याद रखें तो बेटर, नहीं कोई बात नहीं, आपके उसमें नहीं, हायर लेवल का वर्ड है थोड़ा। काइम मतलब जो फूड कहाँ से आएगा, स्टमक से आएगा, उसको बोलते हैं। तो फूड को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, एमल्सिफिकेशन कोज करता है, ठीक है ना। तो ये टू मेन फंक्शन है, और अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो ड्यूडेनल की जो वॉल है उन पे एसिडिक एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा म्यूकस नहीं होता है। पेंक्रिया, पेंक्रिया दैट इज ये जो ये पोर्शन जो है, ये जो शो कर रखा है, दिस इज ड्यूडेनल पोर्शन, और पेंक्रिया ये है, ये जो ये दिखा रखा है, दिस इज द पेंक्रिया। आप देखिए ये पेंक्रिया है, ये पेंक्रिया है, ये ड्यूडेनल पोर्शन है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ये गॉल ब्लैडर है। एक्चुअल में क्या होता है कि गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से सिक्रेशन आती है, इधर क्या है पेंक्रिया है, सपोज ये पेंक, ये डक्ट, और आगे पेंक्रिया बना देता हूँ मैं, ये पेंक्रिया है। तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन डक्ट होती है, लीवर से और इधर किससे, पेंक्रिया से, दोनों के इकट्ठी एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलते हैं ये, इसको बोलते हैं कॉमन डक्ट। और फिर ये जो है इस तरह से जो ड्यूडेनम है उसके अंदर एंटर कर जाता है, मतलब एक तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डक्ट बोलते हैं उसको, कहाँ से आएगी, लीवर से आएगी जिसमें से बाइल जूस आएगा, एक डक्ट कहाँ से आएगी, पेंक्रिया से आएगी, दोनों ज्वाइन होंगी और यहाँ पे ज्वाइन हो रही, इसको बोलते हैं फिर कॉमन डक्ट, और कॉमन डक्ट फिर कहाँ एंटर करेगी, ड्यूडेनल पार्ट में। तो यहाँ इनके थ्रू जो है दोनों का जूस इकट्ठा होके मिक्स होता है, यानी इसके एंजाइम और इसका बाइल जूस। तो पेंक्रिया सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये इस टाइप की ग्लैंड है कि जिसमें हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं एंड एंजाइम भी प्रोड्यूस होते हैं, ऐसी ग्लैंड को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है ये, विच प्रोड्यूस हार्मोन एज वेल एज एंजाइम, दोनों चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। यूजुअली जो ग्लैंड होती हैं वो या तो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और या फिर एंजाइम प्रोड्यूस करेंगी उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडो एंड एक्सोक्राइन टू टाइप की ग्लैंड होती हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में थी ये, आपने किसी ने किया होगा यहाँ तो उनको पता भी होगा। तो अब राम नाम सत हो गया उसका, वो अलग बात है, लेकिन आपको मैं टाइम मिलेगा तो ज़रूर कराऊंगा, अब एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड टू टाइप की होती हैं। एंडोक्राइन वो होती हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करें, एक्सोक्राइन वो होते हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करें, और जो दोनों प्रोड्यूस करते हैं उनको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, इसमें हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं और एंजाइम भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एंजाइम जो इसमें से आएंगे फ्रॉम, आपको देखो यहाँ से तो क्या आएगा, बाइल जूस, इसमें से क्या आएंगे, थ्री टाइप के एंजाइम आएंगे, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ये थ्री टाइप के एंजाइम्स जो हैं इसके अंदर फूड के अंदर ऐड होंगे, जो फूड का डाइजेशन कोज करेंगे। तो एंजाइम के नेम आप यहाँ पे देखो, आपको एंजाइम के नेम लर्न करने पड़ेंगे, चाहे वो यहाँ वे कर लीजिए, चाहे आगे जाके करने ही करने, यानी कल वाले पोर्शन में आपको करने ही। तो पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेंक्रिया विच कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप ऑफ एंजाइम, कौन कौन से, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन एंजाइम, ये थ्री टाइप के। अभी तक ट्रिप्सिन नहीं आया, अभी तक पहले आया था कौन सा, टाइलिन, उसके बाद कौन सा आया, पेप्सिन, और आगे एंजाइम, मैंने ये थ्री के नेम लिए हैं बस, अभी तक
फाइव एंजाइम के नेम लिए आपके सामने, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन एंजाइम, और सबके फंक्शन कौन सा कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये करना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले कल आपको सारे एंजाइम बताऊंगा। अब बॉडी पार्ट का तो आपको पता लग जाएगा आज, फिर कल सारे एंजाइम पहले बताऊंगा, फिर फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद हमने इसमें क्या बताना है कि बाइल जूस के फंक्शन हो गए, टू मेन फंक्शन आपने बताने। उसके बाद आपको मैंने बताया कि ड्यूडेनल पार्ट के अंदर क्या होता है, लीवर कनेक्ट होता है, फ्रॉम लीवर में क्या होता है अभी बताया था भैया आपको, लीवर के किस पार्ट से बाइल जूस आता है, गॉल ब्लैडर। लीवर कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट कॉल्ड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर, फ्रॉम गॉल ब्लैडर बाइल जूस इज एडेड इनटू द फूड, एंड ऑल्सो देर इज पैंक्रिया इन ड्यूडेनल पार्ट, एंड फ्रॉम पैंक्रिया पैंक्रियाटिक जूस इज प्रोड्यूस्ड विच कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप ऑफ एंजाइम, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये एंजाइम विच आर एडिड हेयर एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड। लार्ज इंटेस्टाइन, ध्यान इधर, लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर लॉन्ग, प्रेजेंट आउटसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड, इट्स लेंथ इज ओनली अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर, देन वाई इट इज लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज इट्स डायामीटर इज लार्ज। तो इसका डायामीटर लार्ज होता है, अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर तक हो सकता है, तो 6 सेंटीमीटर तक डायमीटर होता है, दैट्स वाई इट इज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एट द ज्वाइंट देर इज अ स्मॉल आउटकम दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स, एक छोटा सा आउटकम भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अपेंडिक्स, इट इज फंक्शनलेस वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं ऐसे ऑर्गन को, वेस्टिजियल ऑर्गन, जो ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो हैं बट फंक्शन नहीं है उनका, तो वेस्टिजियल बोलते हैं। एनिमल्स में होता है, इसके अंदर से वो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है बट फंक्शनलेस है, इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हमारे लिए तो ये क्या है, कई बार समटाइम इसका माउथ यहाँ से ओपन हो जाता है तो वेस्ट जो है इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, फिर इन इन्फेक्शन की वजह से दैट मे बी डेंजरस, तो इसको ऑपरेट करके कट करके बाहर निकालना पड़ता है। एक स्मॉल, बस ये उंगली की तरह से इतनी, ये तो ज़्यादा थिक है, इतनी थिक भी नहीं होती, बस इतनी सी, बड़ी नहीं छोटी सी होती है, स्वेल अप हो जाए तो फिर बड़ी हो जाती है इतनी सारी, अदरवाइज बिल्कुल छोटी सी है, इतनी सी होती हैं, इतनी स्मॉल ग्लैंड बहुत छोटी छोटी होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन दैट हैज दिस शेप, मतलब यू शेप होती है आप, द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज सीकम, इस स्वेलन पोर्शन को बोलते हैं दैट इज सीकम, एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज कोलन, दिस इज नोन एज असेंडिंग कोलन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलन एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलन, ये सारा कोलन पोर्शन। इन साइड द लार्ज इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टिड पार्ट ऑफ द फूड दैट एंटर्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्टिड फूड तो उसकी वॉल में विलाय क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर जो वेस्ट रह जाता है दैट इज सेंट टू द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट एंटर इनटू सीकम फर्स्ट, एंड देन इट मूव थ्रू द सीकम टू असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, एंड इन द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दे एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम दैट वेस्ट, उस वेस्ट से एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड सम आयंस वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड देन सेमी सॉलिड वेस्ट दैट इज कलेक्टेड इन द रेक्टम पोर्शन,
एंड दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है यहाँ पे भी कलेक्ट होता है, इसको सिग्मोइड कोलन बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन ये जो ऐसा जो टर्न शेप है ये जो है सिग्मोइड कोलन है, यहां से लेके और यहां तक। एंड नेक्स्ट पोर्शन इज नोन एज रेक्टम, वेयर वेस्ट इज कलेक्टेड एंड इट इज रिमूव्ड थ्रू द एनस टाइम टू टाइम। तो ये है, एंड द रिमूवल ऑफ द वेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय अ स्फिंक्टर मसल कॉल्ड एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर से कंट्रोल होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। ये नाउ द डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमारे प्रेजेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, माउथ में कौन सी ग्लैंड थ्री, सलाइवरी ग्लैंड्स। आप सलाइवरी ग्लैंड से नेम चल वो कर लीजिए, बट तीनों ग्लैंड्स के नेम आपको जरूर पता होने चाहिए। पैरोटिड जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सब मैगजिलरी जो यहाँ पे होती हैं, टंग के नीचे सब लिंगवल। तो ये और इनसे क्या प्रोड्यूस होता है, सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन, जो क्या फंक्शन कोज करता है, स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। बाद में क्या कर, किसको किस में कन्वर्ट करता है वो कल वाले में करें, बस इतना ही बात। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लीवर। लीवर से क्या प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस, वो डाइजेशन नहीं कोज करता। उसके बाद पेंक्रिया, पेंक्रिया से क्या प्रोड्यूस होता है, पेंक्रेटिक जूस। पेंक्रेटिक जूस में थ्री टाइप के एंजाइम के नेम बताएं आपको, पेंक्रेटिक अमाइलेज, पेंक्रेटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, फंक्शन कल बात करेंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हाँ एक चीज़ रह गई थी, फ्रॉम द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो द जूसेज आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये कल के उसमें आएगा, एंड उसमें से भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और इनको हम इकट्ठा बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस भी कह देते हैं। और शुकस एंटेरिकस, या नेम नहीं है वो कल वाले में आएगा, शुकस एंटेरिकस उन का नेम है, वो शुकस एंटेरिकस उसमें प्रोड्यूस होते हैं, दैट कॉज द फाइनल डाइजेशन। तो ये आपने करना है, आपके नोट्स में है, आपको नोट्स बेटा कल मिलेंगे, ठीक है ना।